चलिए वेलकम बैक अगेन। आज का लेसन मैं आपको बता देता हूँ। आज है इंट्रोडक्शन विथ सस्पेंडेड कॉर्ड्स। सस्पेंडेड क्या होता है? इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स। आपको ये चीज़ याद रखना कि जब भी सस्पेंडेड वर्ड या सस वर्ड आएगा, SUS, आप कभी कभी देखते हो डी सस टू, डी सस फोर या जो भी हो, डी सेवन सस फोर, सेवन का भी सस्पेंडेड होता है। तो ये सस वर्ड क्या है, आपको सिंपल समझना है कि आप जब अपना स्केल्स प्ले करते हो, सपोज यू आर प्लेइंग सी मेजर स्केल, देन ठीक है, जब भी सस वर्ड आएगा दैट मीन्स यू हैव टू सस्पेंड योर थर्ड नोट इन द केस ऑफ सस्पेंडेड टू एंड इवन द केस ऑफ सस्पेंडेड फोर। आपको थर्ड नोट सस्पेंड करके अगर आप फोर्थ नोट लगा रहे हो तो दैट मीन्स इट साउंडिंग योर सस्पेंडेड फोर। सस्पेंडेड फोर मीन्स यू हैव टू सस्पेंड योर थर्ड नोट। थर्ड नोट सस्पेंड मीन्स यू हैव टू, मतलब कि आपको प्ले नहीं करना है वो थर्ड नोट, उसके जगह पर आपको फोर्थ नोट प्ले करना है। और जब सस टू लिखा रहे यानी कि सस्पेंडेड टू, दैट मीन्स अगेन यू हैव टू सस्पेंड योर थर्ड नोट, यानी कि सारे गा गा नोट सस्पेंड करके आपको सेकेंड नोट लगाना है उस स्केल का। तो ये कॉर्ड फॉर्मेशंस और कॉर्ड क्रिएशंस में भी काम आएगा आपको ये थ्योरीज। कि अगर मान लो सपोज आपको जी मेजर बजाना है या सपोज मान लो आपको सी मेजर बजाना है, अब कोई आके म्यूजिक डायरेक्टर बोला कि यू हैव टू प्ले सी सस टू, देन आपको याद रखना है सी डी ई इज योर थर्ड नोट। यानी कि आपको ऐसे भी जब आप आरपेजियोस प्ले करते हो तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ करते हो, यानी कि यू हैव टू सस्पेंड योर थर्ड नोट, दैट इज दैट वन इज ई, एंड इंस्टेड ऑफ इट ई नोट्स यू हैव टू प्ले सेकेंड नोट, दैट वन इज द सी डी डी नोट। आप जब प्ले करोगे तो वो आपका सस्पेंडेड टू बन जाएगा। और जब सस्पेंडेड फोर का बारी है तो देन अगेन यू हैव टू सस्पेंड योर थर्ड नोट, दैट इज ई नोट आरपेजियोस के हिसाब से, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि सी डी ई इज सस्पेंड हो गया, ई के बाद एफ, यानी कि यू हैव टू एड एफ नोट, देन वो सस्पेंडेड फोर बनेगा। सिंपल लॉजिक है ये लेमन लैंग्वेज में। तो आपको यही समझना कि अगर आप मान लिया आपके पास जी मेजर स्केल है तो ये आप लोगों को होमवर्क है, जी मेजर स्केल्स को आप प्ले कीजिएगा। इफ़ यू आर ऑलरेडी म्यूजिशियन एंड इफ यू आर प्लेइंग एनी इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी, देन प्ले जी मेजर स्केल, देन सस्पेंड इट्स थर्ड नोट। आपको थर्ड नोट नहीं बजा के उसका सेकेंड नोट को मेंशन करना है, तब आरपेजियोस फॉर्मेशन करना है, देन मीन्स इट इज साउंडिंग लाइक सस्पेंडेड टू। और जब आप सस्पेंडेड थ्री को, थ्री नोट को सस्पेंड करके फोर्थ नोट उस स्केल का प्ले करोगे साथ में, यानी कि फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, देन इट्स क्रिएट योर सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। इसको आप सस टू भी बोलते हो, सस या जो भी हो, सस टू भी बोलते हो, सस फोर भी बोलते हो, बहुत सारे एडवांस इन्वर्जन कॉर्ड्स होते हैं हारमोनिक्स के हिसाब से। तो आज सस्पेंडेड कॉर्ड का आप थ्योरी समझ गए। तो इसे हम लोग अल्टर कॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग अल्टर किए हैं, कुछ कटाई छटाई करके किए हैं, तो ये अल्टर कॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज का जो सस्पेंडेड वाला लेसन रहेगा सिंपल सी, अभी मैं सी का ही सेशन चला रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि सी में ही अपने आप में काफ़ी रीच है। तो सी के साथ आपको सस्पेंडेड फोर बजाना है, ये नॉर्मल सी मेजर है। एक मैं कॉर्ड सीक्वेंस बताऊंगा आपको जिसमें कि वेट अ मिनट, या एक मैं सॉरी काफ़ी मच्छर था, तो एक मैं आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने क्रिएट किया है जिसमें आपको सी बजाना है, देन यू हैव टू प्ले सी सस्पेंडेड फोर, देन प्रीवियस लेसन जो आप लोगों ने जी सेवन प्ले किया था, तो जी सेवन की जगह आपको जी सेवन सस्पेंडेड फोर मैंने बनाया इसे। तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन उसमें काफ़ी साउंड रीच कर रहा था, काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद, कटाई छटाई अल्टर करने के बाद ये कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन है सी सी सस्पेंडेड फोर, देन जी सेवन सस्पेंडेड फोर, देन अगेन बैक टू सी मेजर कॉर्ड्स। तो एक मैं अपना एक रिदम प्ले करके आपको साउंडिंग सुनाता हूँ, ये क्या साउंडिंग है। ये सस्पेंडेड का साउंड है, ये मैं रिदम क्या प्ले कर रहा हूं, थोड़ा सा लीजिए कि आप स्ट्रोक ले सकते हो। तो ये सी का, अभी आपको मैं थर्ड फिंगर से प्ले करके दिखा रहा हूँ सी मेजर, लेकिन ये केस में अगर आप फोर्थ फिंगर यूज करोगे तो आप ज्यादा इजी कंफर्ट हो पाओगे। थर्ड फिंगर को छोड़ देना आपको वॉइसिंग कॉर्ड्स के लिए, वॉइसिंग कॉर्ड्स का थ्योरी पीछे भरे लेसन में देखिएगा। थम्स
ये लेसन्स है। तो अभी आपको आप दोनों में से किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, थर्ड फिंगर भी लगा सकते हो, फोर्थ फिंगर से लगा, तो ये आपका ऑप्शनल है, जो आपको इच्छा करे, जिसमें आप कंफर्ट हो जाए। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है जब आपको कभी भी कोई गाना कि आप ट्रांसपोज भी कर सकते हो, लाइक यहाँ से भी आप प्ले कर सकते हो। यानी कि मैं डी शार्प से प्ले कर रहा था, ये डी है, सॉरी। लेकिन अभी सी पे आना है, तो चलिए क्या क्या है। सी मेजर में, सी नॉर्मल, अभी मैं फोर्थ फिंगर से आपको बता रहा हूँ, आप थर्ड फिंगर से कर सकते हैं, नो इशू। पता है सी मेजर सारा स्ट्रिंग ओपन रहता है, ये रहता है नॉर्मल। आपको अब मैं इतना नहीं बताऊंगा सी मेजर कैसे पकड़ा जाता है, प्लीज आप पुराना लेसन देखिए, नहीं तो इस लेसन पे मत आइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं अपना व्यूज बनाने के लिए नहीं बोल रहा पुराने लेसन, देखिए आपके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सी मेजर तो आप जानते हो, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, सस्पेंडेड फोर में आपको मैंने क्या बताया कि थर्ड नोट सस्पेंडेड करके फोर्थ नोट लगाना है, यानी कि आपको इसका आरपेजियोस क्या प्ले होगा, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, एक नोट ऐड कर रहा हूं, एफ नोट, क्योंकि आई थिंक फोर्थ नोट इज एफ इन सी स्केल, सी डी ई एफ, या इट्स फोर्थ, तो मैं एफ नोट ऐड किया हूं सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फिफ्थ पे। तो सी के साथ मैंने जैसे एफ नोट ऐड किया, बाकी स्ट्रिंग ओपन रखा, तो ये सी सस फोर बन गया। देन जी सस फोर, जी सेवन सस फोर, यानी कि जी डोमिनेंट सेवन सस फोर, या फिर आप जी सेवन फोर भी बोल सकते हैं, ये जी सेवन नॉर्मल था। तो अब आपको सी नोट ऐड करते हुए सी के ही स्केल में एफ नोट लगाया और डी नोट मैंने लगा दिया ऊपर, तो ये जी सेवन सस फोर का साउंडिंग आता है। ये सी मेजर सस्पेंडेड का प्रोग्रेशन में काफी अच्छा रिच साउंड करता है, सी मेजर सी सस फोर G7 sus 4, then again back to C major, और G7 sus 4 का arpeggios क्या होगा, first, second note मैंने add किया, then fifth note add किया, then again first note add, यानी कि eighth note add है, तो ये G7 sus 4 का sounding है, तो ये chords का progression है, C major, C sus 4, suspended 4, and G dominant 7 suspended 4. ये कॉर्ड्स का नाम है जी डोमिनेंट सेवन सस्पेंडेड फोर, जिसे आप शॉर्ट में जी सेवन सस फोर भी बोल सकते हो। देन अगेन बैक टू सी मेजर, और एक कोई भी रिदम आप रख सकते हो, आप स्ट्रिंग में कॉमन रख रहा हूं, या फिर प्लकिंग में भी आप प्ले कर सकते हो। वेरिएशंस आप ये प्ले करें स्लो में, देखो सस्पेंडेड फोर का ज्यादातर ओपन कॉर्ड्स में ही नट पोजीशंस पे ही अच्छा लगता है साउंडिंग। मेरे रिदम बजाते बजाते कोई कोई गाना भी याद रहेगा, कुछ भी आप प्ले कर सकते हो, ये आपका क्रिएटिव होना चाहिए। इतना मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये फॉर्मेशंस आपको करना जरूरी है, तभी आप सीख पाओगे म्यूजिक। ये सस्पेंडेड का आज क्लासेस था, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग आप आगे। तो बेस्ट पीसेस आप ये सस्पेंडेड फोर, शायद आप कॉर्ड समझ गए होंगे, ये रखना है, फिर एफ नोट ऐड करना है, देन डी नोट ऐड करना है आपको थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, देन अगेन बैक टू सी मेजर। पहले प्रैक्टिस क्या करना, सी सस्पेंडेड फोर,
G7 suspended. 4, then again back to C again. It's also ear candy. आपको मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो अपने गाने में. अगर सपोज मान लो कोई गाना पर सी एस के उसका है और आप लोग कैपो में तो एक्सपर्ट हो ही, क्योंकि आप लोग को तो ट्रांसपोज आता नहीं है. मैं मैक्सिमम लोगों को देखा हूँ कैपो यूज़ करते हुए, तो मैं गिटार में कैपो यूज़ करूँगा ही नहीं, सॉरी ये यूकुलेले में कभी कैपो यूज़ करूँगा ही नहीं. आगे भी आपको मैं ट्रांसपोज कॉर्ड्स का होल बताऊँगा. कैपो का यूज़ का भी क्लासेस होगा कि कैपो क्यों यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है. जब आपको ओपन कॉर्ड्स का फील चाहिए तभी आप कैपो यूज़ कीजिए, या आपको कोई ऐसे सर्टेन स्केल को ट्रांसपोज करना हाई स्केल में, या कुछ ऐसा प्लकिंग सेक्शंस प्ले करना है जो आपको सस्टेन करे नोट्स को, तो उस केस में कैपो का यूज़ किया जाता है. आप जी मेजर सबको बनाने के लिए कैपो यूज़ मत कीजिए ओपन का. तो ये मेरा रिक्वेस्ट है एवरी बिगिनर गिटारिस्ट से या इंटरमीडिएट जो भी प्लेयर हैं, ट्राई टू ट्रांसपोज योर कॉर्ड सीक्वेंस, तब मज़ा आएगा. तो ऑल द बेस्ट. तो ये सस्पेंडेड का क्लास था, तो आज का क्लास यही सस्पेंड होता है.